टिहरी जनपद के बालगंगा रेंज स्थित विनय खाल सेक्टर के विशन गांव में बुधवार सुबह 7 बजे 2 नेपाली मजदूरों पर भालू ने हमला कर घायल कर दिया। वहीं घायल दुर्गा मगर और प्रसाद बोहरा ने बताया कि सुबह विशन गांव में सड़क से गांव के ऊपर मंदिर पर सामान लेकर जा रहे थे, तभी अचानक भालू ने उन पर हमला कर दिया, जिस कारण दोनों ही घायल हो गए। वहीं जब हमले की सूचना वन विभाग के दरोगा राम शरण उनियाल को मिली तो उन्होंने तत्काल स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेनेश्वर में भर्ती करवाया, जबकि डॉक्टर राजकुमार सराफ ने बताया कि दुर्गा मगर के हाथ की हड्डी पर अधिक चोट लगने से उचित उपचार के लिए जिला अस्पताल बोराडी भेज दिया गया है, जबकि प्रसाद बोहरा को उपचार के बाद घर भेज दिया गया। कैसे गए थे? हम ऊपर सामान लेके गया था, तुम गया रास्ते में। क्या किसने किया हाल हमला आप पे? बालू नहीं गया। बालू नहीं गया? कितने बालू थे? 2 थे। बताया गया कि बालू ने खाए हमको दोनों को, दोनों के चोटे थी, एक के सिर में, चेहरे पे, कमर में, हाथ में, पैर में, सब जगह थी। दूसरे के भी कई जगह थी, दूसरे के अंगुली में चोट ज्यादा थी, उसका एक्सरे कराया तो उसमें फ्रैक्चर